हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरपीएम रेक्टिफाइंग फिजिक्स माइंड्स। मैं सुजीत कुमार आपके साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 2 में हम लोग पहुंच चुके हैं। अगर आप लेक्चर 1 नहीं देखे हैं तो आई बटन को क्लिक करके आप लेक्चर 1 देख लीजिए। अगर देखे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो लेक्चर 1 में हमने पढ़ा था चार्ज और चार्ज के प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है। और लेक्चर 2 में हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, ये लेक्चर 2 जो है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं ये नहीं कर रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, मैं पूरा फिजिक्स के चैप्टर्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो आज का लेक्चर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम कंप्लीट बेसिक लेक्चर होगा। और ये बेसिक लेक्चर को अगर हम लोग समझ पाएंगे और डेफिनेटली समझेंगे, और इसको अगर हम समझ जाते हैं तो हम बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने के काबिल हो जाएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने काबिल हम लोग हो जाएंगे। जहाँ पे हम लोग, हमारे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वहाँ पे परेशानी झेलते हैं, जहाँ पे इंटीग्रेशन करना रहता है या फिर डिफरेंशिएशन करना रहता है, जब भी हम लोग एलिमेंट लेना रहता है तो वो सारे क्वेश्चंस जब भी करते हैं ना, तो हम लोग का दिमाग क्या हो जाता है, बावला हो जाता है। तो अब बावला होने की ज़रूरत नहीं है इस लेक्चर के लिए, आप एकदम रेडी हो जाइए पूरे फुल एनर्जी के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, चार्ज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा हमारे सिस्टम में। तो देखो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से पहले तो हम लोग ये देखना पड़ेगा कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे, है ना। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में क्या है, हमारा पहला कॉन्सेप्ट क्या है, पॉइंट चार्ज, है ना, क्या है, पॉइंट चार्ज, ठीक है ना। वैसे हमने पॉइंट मास भी पढ़ा है, पॉइंट मास में हम लोग क्या बोलते हैं जी, सिंपल सी बात हम लोग कहते हैं कि जिसका साइज नेग्लिजिबल हो, हम लोग साइज को कंसिडर नहीं करते हैं। तो साइज को कंसिडर कब नहीं करते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे पॉइंट चार्ज भी कुछ उसी तरह का वैसा है। हमने यहाँ पे लिखा है क्या पॉइंट चार्ज के लिए, कि व्हेन डिस्टेंस और सेपरेशन बिटवीन चार्जेस इज मच लार्जर देन इट्स साइज, है ना। मतलब चार्जेस के बीच का सेपरेशन बहुत ही ज़्यादा होगा उसके साइज के कंपैरिजन में। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक चार्ज है और एक यहाँ पर चार्ज है, ठीक है। मान लो एक चार्ज का साइज होगा 10 माइक्रोमीटर, बहुत ही छोटा, ठीक है। और इनके बीच का सेपरेशन मान लो हमने ले लिया 100 मीटर ले लिया, तो 10 माइक्रोमीटर के कंपैरिजन में 100 मीटर तो बहुत ही बड़ा है। तो देखो, तो इनका साइज कंपैरिजन में है क्या, कुछ भी नहीं है, है ना। मतलब चार्जेस इस तरह से सेपरेटेड हैं कि उनका साइज इस सेपरेशन के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा है। तो इस टाइम में इसके साइज के बारे में हम कुछ सोचेंगे नहीं सोचेंगे, है ना, इस साइज के बारे में हम कभी सोचेंगे ही नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, इसका साइज क्या हो गया जी, नेग्लिजिबल हो गया, ठीक है। इसका साइज क्या हो गया, नेग्लिजिबल हो गया। तो इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है, पॉइंट चार्ज है, ठीक है ना। तो पॉइंट चार्ज जब रहता है तो उसके हम लोग साइज को कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। और हमारी सारी की सारी दुनिया जितनी भी हैं, जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, वो सारे के सारे किससे बने हैं, पॉइंट मास से बने हैं। और चार्ज के टर्म में बात करें तो हम लोग बोलेंगे किससे बने होंगे, पॉइंट चार्ज से। जैसा भी सिस्टम होगा, जैसे मान लो हम लोग लाइन चार्ज बना रहे हैं, है ना, या फिर सरफेस चार्ज बना रहे हैं, या फिर स्फेरिकल चार्ज बना रहे हैं, फिर चार्ज का सिलेंडर बनाया, तो उन सारे में क्या है, उसमें क्या क्या चीज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, किससे मिलके बना होगा, तो पॉइंट चार्ज छोटे 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 चार्ज से मिलके बना होगा ना। हाँ, बहुत अच्छी बात है, छोटे छोटे चार्ज से मिलके वो बना होगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन कितने तरीके का होगा पॉइंट चार्ज के हेल्प से, हमने इस बात को दो पार्ट में डिवाइड किया। तो पॉइंट चार्ज के हेल्प से हम लोग दो टाइप के सिस्टम हमने क्या किया, डिवाइड किया है। और इसमें पहला सिस्टम क्या है, तो पहला सिस्टम है डिस्क्रीट सिस्टम, है ना, डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज। देखो इसका मीनिंग समझते हैं हम लोग, डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज का मतलब क्या होता है। दिस इज कलेक्शन ऑफ आइडेंटिफिएबल पॉइंट चार्ज, क्या है जी, आइडेंटिफिएबल पॉइंट चार्ज का ये क्या है, कलेक्शन है, ठीक है ना। मतलब आइडेंटिफिएबल का मतलब ये हुआ कि हम लोग क्या कर पाएंगे, सिस्टम में पॉइंट चार्ज को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। सपोज मान लो कि ये हमारा सिस्टम है, यहाँ पे सिस्टम है कोई, ठीक है, और इसमें इसमें ना
यहाँ पे कोई चार्ज है कि यहाँ पे चार्ज है, इसको यहाँ पे चार्ज है, इसको यहाँ पे चार्ज है, ठीक है। तो हम लोग कह पा रहे हैं कि कितने चार्ज है, तुम लोग काउंट कर पा रहे हैं, 1 2 3 4 चार्ज है। क्यों? क्योंकि हम लोग आइडेंटिफाई इसमें कर पा रहे हैं कि पहला चार्ज किधर है, दूसरा चार्ज किधर है, तीसरा चार्ज किधर है। इस तरह से हम लोग क्या कर पा रहे हैं, आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। तो ऐसे सिस्टम को लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज कहते हैं। अब देखो डिस्क्रीट सिस्टम में चार्ज को कैसे डिनोट करते हैं, तो डिस्क्रीट सिस्टम में चार्ज को हम लोग डिनोट करते हैं क्यू आई से, क्यू आई से। और क्यू आई का मतलब क्या होता है, आईएथ चार्ज। आई बात समझ में ना, क्यू आई का मतलब क्या होता है, आईएथ चार्ज। और आई क्या होता है जी, आई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, आई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब मान लो फिफ्थ चार्ज को डिनोट करना है तो आई की जगह क्या आ जाएगा, क्यू फाइव, है ना। थर्ड चार्ज को डिनोट करना है तो क्या लिख देंगे, क्यू थ्री। क्यू थ्री मतलब थर्ड चार्ज, फाइव मतलब फिफ्थ चार्ज, आईएथ चार्ज। समझ में आया ना, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब देखो मान लो आप कि हमारे पास एक सिस्टम है और इसमें एक चार्ज यहाँ पे है क्यू वन, यहाँ पे है क्यू टू, यहाँ पे है क्यू थ्री, है ना, यहाँ पे है क्यू फोर, ठीक है, इस तरह से है। अब कोई बोल रहा है बताओ फोर्थ चार्ज कहाँ पे है, तो तुम बोलोगे सर यहाँ पे है फोर्थ चार्ज। मैं बोलूँगा थर्ड चार्ज कहाँ पे है, तो यहाँ पे है। क्यों? क्योंकि तुम आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि ये सब चार्जेज हैं यहाँ पे, वन टू से, है ना, थर्ड फोर्थ ऐसे करके चार्जेज हमारे पास हैं, तो हम आइडेंटिफाई इसमें कर पा रहे हैं। तो अब कुछ भी ऐसा सिस्टम रहेगा ना, तो इसमें क्या पूछा जाता है आपको कि व्हाट इज़ द नेट चार्ज इन योर सिस्टम, इस सिस्टम में नेट चार्ज कितना है। तो सिंपल सी बात है, आपको दिख रहा है ना Q1, Q2, Q3, Q4, और चार्ज तो क्या होता है, स्केलर होता है ना। तो सिंपल सी तरह है, नंबर की तरह इसको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, है ना। तो देखो अगर हमें Q क्या नेट निकालना है तो क्या कर दोगे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। सिंपल सी बात है, इसमें हम लोग क्या कर देंगे, सबको सिंपल सा स्केलर की तरह एडिशन कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, नेट चार्ज निकल जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज आपको समझ में आ गया। डिस्क्रीट सिस्टम इज व्हाट, कलेक्शन ऑफ आइडेंटिफिएबल, हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे और सारे को सेम क्या कर देंगे, स्केलर की तरह ऐड कर लेंगे। सिंपल सी बात है, ज़्यादा कुछ टाइम पास नहीं है, अब इसको पॉज करके छापो। तो नेक्स्ट वन है कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज, ठीक है। दिस इज कलेक्शन ऑफ नॉन आइडेंटिफिएबल पॉइंट चार्ज। कंटिन्यूअस सिस्टम क्या होता है जी, ऐसा सिस्टम बनाएंगे हम लोग जिसमें हम लोग पॉइंट चार्ज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। सपोज हमने चार्ज से पॉइंट चार्ज को मिला के मैंने क्या बना दिया, रॉड बना दिया। या फिर सोचो आप मास से एग्जांपल ले लो, ये पेन किस से बना होगा, पॉइंट मास से बना होगा। मैं बोलूँगा बताओ इसमें थर्ड मास कहाँ पर है, आप बता पाओगे थर्ड मास कहाँ पर है, नहीं बता सकते, क्योंकि पॉइंट मास कैसे अरेंज है, कंटिन्यूसली आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। सिमिलरली हमने क्या किया कि एक रॉड बनाया, और वो रॉड किससे बना है जी, किससे बना है बताओ, पॉइंट मास, पॉइंट चार्ज से बना है। तो इस पॉइंट चार्ज में आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, जैसे मान लो मैंने आपको एक सिस्टम बनाया, ये है, ठीक है। अब ये किससे बना है जी, ये बना है पॉइंट चार्ज से बना है, ठीक है ना, ये पॉइंट चार्ज से बना है। और मैं आपको इसमें पूछूंगा कि फर्स्ट चार्ज कहाँ पे है, थर्ड चार्ज कहाँ पे है, सिक्स चार्ज कहाँ पे है, तो हम लोग इसमें आइडेंटिफाई कर पाएंगे नहीं, क्योंकि चार्जेस कैसे अरेंज हैं, कंटिन्यूसली अरेंज हैं। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं जी, कंटिन्यूस सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज, ठीक है ना। तो कंटिन्यूस सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज में भी हमारे पास बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन है, उनमें से पहला डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, लाइन चार्ज। कैसा है जी, लाइन चार्ज, बहुत अच्छे। चलिए तो आप हेडिंग डाल दीजिए लाइन चार्ज, और लाइन चार्ज को हम लोग लाइन चार्ज, लाइन चार्ज में क्या होता है, All the point charges are arranged on a line. मतलब ये जो point charge है ना, छोटे छोटे point charges, वो सारे के सारे किस पे अरेंज रहेंगे जी, एक line के along अरेंज रहेंगे। तो ऐसे system जो बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, line charge बोलेंगे, ठीक है, बढ़िया। तो देखो हमने पढ़ा कि line charge हो चाहे कोई भी charge हो, उसमें हमें क्या निकालना होगा, net charge निकालना होगा, ठीक है। तो इसे मान लो हमने जब charge बनाया, ठीक है, मान लो हमने ना 4 मीटर का चार्ज बनाया, ठीक है। तो 4 मीटर का चार्ज बनाया ना, तो इस पर 4 मीटर बनाने टाइम जब चार्ज इस पर चिपका रहे थे ना बनाने के लिए इसको, तो चिपका चिपका के 1 मीटर में हमारा जो चार्ज खर्च हो रहा था ना, वो 5 कूलम खर्च हो रहा था, ठीक है। तो 5 कूलम हर 1 मीटर में कितना खर्च हो रहा था, 5 कूलम खर्च हो रहा था। तो टोटल हमने कितना बनाया, 4 मीटर का बनाया, तो चार्ज टोटल कितने हुए जी, 20 कूलम हमारे खर्च हुए। हमने क्या किया जी, तो वो 5 कूलम
को मल्टीप्लाई कर दिया टोटल लेंथ से। क्यों? क्योंकि 5 कूलम्ब पर मीटर था डिस्ट्रीब्यूशन इसका। इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था जी? 5 कूलम्ब पर मीटर, ठीक है ना। तो हमने 5 को पूरे होल लेंथ से हमने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, बहुत अच्छे। तो इस 5 कूलम्ब को हम लोग चार्ज डेंसिटी कह सकते हैं ना। और चूंकि ये डेंसिटी जो है ना लाइन में है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे इसको? लीनियर, लीनियर चार्ज डेंसिटी का। क्या कहेंगे? लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है ना। तो इसमें हमें एक टर्म आया क्या? लीनियर चार्ज डेंसिटी। और लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं किससे? लेमडा से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसमें लेमडा का वैल्यू क्या था? 5 कूलम था, क्योंकि हर एक मीटर में हमने बोला कि 5 कूलम खर्च हुए हैं, तो हर एक मीटर में 5 था, ठीक है। तो हमने टोटल चार्ज निकालने के लिए क्या कर दिया? पूरा लेमडा को टोटल लेंथ से हमने क्या किया? मल्टीप्लाई किया, बहुत अच्छे। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी और क्यू निकालेंगे कैसे? तो लेमडा इंटू टोटल लेंथ। अगर रॉड का लेंथ एल होगा तो टोटल चार्ज ऐसे निकल जाएगा, क्यू इक्वल्स टू लेमडा इंटू एल। लेकिन एक बात इसमें है ना, क्या बात है जी? तो इस ये तभी अप्लाई कर सकते हैं जब डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा? फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। बात आई समझ में? जब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा तभी हम लोग इस फॉर्मूले को हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, टोटल चार्ज निकालने के लिए। आई बात समझ में? चलो हम लोग देखते हैं कि जब नॉन यूनिफॉर्म रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। चलिए आइए, इसको आप पॉज करके लिख लीजिए। मान लीजिए मैंने यहाँ भी 4 मीटर का लेंथ का रॉड लिया, ठीक है, और इसको मैंने ऐसे 1, 2, 3, 4, ये पूरा का पूरा क्या है? 1 मीटर का है। ये 1 मीटर, फिर ये भी 1 मीटर का है, मतलब ये पूरे के पूरे पार्ट्स क्या हैं? 1-1 मीटर के हैं, ठीक है। और इसमें क्या है कि 2 कूलम खर्च हुआ है चार्ज, ठीक है। इसमें क्या है? 1 कूलम चार्ज खर्च हुआ है। इसमें 3 कूलम चार्ज खर्च हुआ है। इसमें 2 कूलम चार्ज खर्च हुआ है, ठीक है। आई बात समझ में ना? तो इसका अगर हमें टोटल चार्ज निकालना होगा तो मुझे पता है कि 1 मीटर में 2 कूलम चार्ज खर्च हुआ है। अगर मुझे क्यू निकालना है तो मैं करूँगा 2 × 1 इसके लिए, प्लस इसके लिए क्या करूँगा? 1 × 1 इसके लिए क्या करूँगा? 3 × 1 प्लस इसके लिए क्या करूँगा जी? 2 × 1, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? 2 + 1 + 3 + 2, है ना। तो कितना हो गया? ये 8 कूलम हो गया, है ना, 8 कूलम हो गया चार्ज। बताइए समझ में? तो जैसे हमने पिछले वाले एग्जांपल में पूरा लेमडा को पूरे लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया था, है ना, क्योंकि वहाँ पे पूरे लेंथ में क्या था? 5 कूलम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन था, 5 कूलम पर मीटर था। लेकिन यहाँ पे पहले 1 मीटर में 2 कूलम चार्ज खर्च हुआ है, दूसरे 1 मीटर में 1 ही कूलम चार्ज खर्च हुआ है। इसमें ज़्यादा चार्ज चिपकाया गया है, इसमें थोड़ा कम चिपकाया गया है ना। तो इसलिए हम लोग क्या किए? टुकड़े टुकड़े में किए, मतलब जहाँ तक कॉन्स्टेंट है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ तक का लेंथ मैंने क्या कर लिया? मल्टीप्लाई कर लिया। 1 मीटर तक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या था? कॉन्स्टेंट था। फिर 1 मीटर तक कॉन्स्टेंट था, ठीक है। हमें धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आइडिया हो रहा है। चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं, फिर आपको अच्छे से चमक जाएगा। देखिए मान लीजिए मैंने इस बार भी 4 मीटर का रॉड लिया, ठीक है, और पहले 1 मीटर में ये वाला 1 मीटर है और ये वाला मैंने ले लिया 3 मीटर, ठीक है। तो पहले 1 मीटर में मान लीजिए आप कि इसमें 5 कूलम खर्च हुआ, ठीक है, और इस 3 मीटर में ना, इस 3 मीटर में जो हमने चार्ज डाला है, तो जब ये 3 मीटर बना रहा था तो हर 1 मीटर में 10 कूलम चार्ज खर्च हो रहा था। 10 कूलम चार्ज खर्च हो रहा था कितने में? 1 मीटर में। मतलब हम लोग कैसे थे? 10 कूलम पर मीटर इसमें खर्च हो रहा था, है ना। मतलब हम कह सकते हैं अगर क्यू निकालना है तो मैं बोलूँगा इसमें 1 मीटर तक क्या है, कितना चार्ज गया मेरा? 5 कूलम। तो 5 × 1 कर दिया, प्लस इस डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हुआ है कि 1 मीटर में 10 कूलम खर्च हुआ है, तो 3 मीटर में कितना खर्च होगा जी बताओ? तो कितना खर्च होगा? 10 × 3, है ना। तो कितना आया? 5 + 30, कितना आ गया जी? 35 कूलम आया। बात आई समझ में? ठीक है। तो हमने क्या किया, इसमें भी 1 मीटर तक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या था? चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी जो हमने लेमडा को बोला, हमने मल्टीप्लाई किया। यहाँ भी क्या था? ये लेमडा था और ये 10 कूलम पर मीटर जो था ना, ये 3 मीटर तक क्या था? कॉन्स्टेंट था। अब हमें एक कॉन्सेप्ट चमक के आया खूब अच्छे से कि हमें लेमडा मल्टीप्लाई करना है उस लेंथ के साथ जहाँ जिस जितना लेंथ तक लेमडा क्या रहे? कॉन्स्टेंट रहे। मतलब लेमडा जहाँ तक क्या रहेगा? यूनिफॉर्म रहेगा,
ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखो ये सब सारे डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हैं, नॉन यूनिफॉर्म है। एक मीटर में 2 कूलम, पहले में, दूसरे में 1, तीसरे में ऐसा है। पहले 1 मीटर में 5 कूलम है, दूसरे 3 मीटर में 10 कूलम है, तो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन हम लोग यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट लगा के हम लोग कर पा रहे हैं क्योंकि कुछ हद तक क्या है, कॉन्स्टेंट है। लेकिन जब एकदम एक एक पॉइंट के बाद चेंज होने लगे, पॉइंट वन के बाद, जैसे मान लो कुछ लेमडा होगा, ऐसा कुछ वेरिएबल हो गया, एक्स का फंक्शन हो गया, वो लेमडा क्या हो गया जी, फंक्शन ऑफ एक्स हो गया, एक्स के साथ वेरी करने लगा, ठीक है ना, हर एक पॉइंट के बाद चेंज होने लगेगा, उस टाइम क्या करेंगे। चलो आओ हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं, आप इसको पॉज करके लिख लो। मान लीजिए कि इसका जो डेंसिटी है ना, लेमडा इक्वल्स टू 2x दिया हुआ है, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये अगर ओरिजिन है, ठीक है, तो देखो तो इसमें वो सब जो एग्जांपल्स था ना, पहले 1 मीटर तक कांस्टेंट था, फिर 3 मीटर तक कांस्टेंट था, फिर 1 मीटर 1 मीटर ऐसे कांस्टेंट था। लेकिन इसमें देखो 2x है ना, x के साथ ही वेरी कर रहा है, ठीक है ना। अगर मान लो अगर हम बोलें कि ये क्या है, ओरिजिन है, ये क्या है, ओरिजिन है, तो हर एक पॉइंट पे x का कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसका मतलब लेमडा भी क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा, बहुत सुंदर, ठीक है। मान लो आप कि हमने एक एलिमेंट लिया, यहाँ से एक पॉइंट लिया जो x1 पॉइंट है, यहाँ से क्या है, x1 पॉइंट है, और x1 का हमने वैल्यू लिया 2 लिया, ठीक है, और x2 हमने इस पॉइंट को लिया, और ये क्या है, x2 है, और x2 को हमने लिया 2.0001, मतलब कितना जो 2.00, बहुत सारा जीरो, लाखों जीरो दिया और फिर 1 लिखा। अब आप निकालो x2 माइनस x1। अच्छा सोचो अगर ये 2 होता और ये 4 होता, चाहे मान लो ये 2 होता और ये x2 को लेता 5, तो 5 माइनस 2 करते तो ये क्या आता, 3 मीटर आता, मतलब उस एलिमेंट का लेंथ कितना आता, 3 मीटर आता। तो मैं अभी इस एलिमेंट का लेंथ निकालना चाह रहा हूँ, तो ये x2 माइनस x1 जो आएगा ना, ठीक है ना, देखो तो इसमें से इसको माइनस करें तो कितना आएगा, 0.000, जो लाखों जीरो हमने दिया है, फिर 1 लिखा है, ठीक है, तो ये तो लगभग जीरो आ गया ना, x2 माइनस x1 तो क्या हो गया, लगभग जीरो हो गया। जब भी x2 माइनस x1 का डिफरेंस जीरो आता है ना, उसको डिनोट करते हैं, पता है कैसे, dx से डिनोट करते हैं। हालांकि डेल्टा x भी तो होता है ना x2 माइनस x1, लेकिन डेल्टा x यूज नहीं करते हैं ना, जब डिफरेंस काफ़ी मतलब छोटा हो, मतलब ऑलमोस्ट क्या हो, जीरो हो, उसमें हम लोग क्या डिनोट करते हैं जी, dx से डिनोट करते हैं, बहुत ही अच्छे, ठीक है। अब देखिए, तो अब देखिए इस पॉइंट पे लेमडा क्या होगा, तो 2 x1 क्या है, 2 है, तो 2 × 2 होगा, और इस पॉइंट पर लेमडा क्या होगा, 2 × 2.0001 होगा। तो आप लेमडा अगर मान लो x1 पोजीशन के लिए लेमडा 1 निकालना चाह रहे हो, तो 2 × 2 क्या आएगा, 4 आएगा, और x2 पोजीशन के लिए अगर लेमडा 2 निकालना चाह रहे हो, तो 2 × 2.000 एंड सो ऑन, है ना, इतना आएगा ना, तो ये भी तो ऑलमोस्ट क्या आएगा, 4 ही आएगा ना, देखो तो, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि लेमडा इज ऑलमोस्ट लेमडा 2 फॉर विच लेंथ, फॉर दिस लेंथ, दिस ए स्मॉल लेंथ, इस छोटे से लेंथ के लिए लेमडा क्या आया, यूनिफॉर्म आया। मतलब कितने लेंथ के लिए, इस लेंथ को हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं जी, इस लेंथ को किससे डिनोट कर रहे हैं, dx से डिनोट कर रहे हैं, आई बात समझ ना, मतलब छोटा सा लेंथ, ठीक है। हमने x में ले लिया, अगर हम लोग बोलते कि लेंथ l है, इसका लेंथ l है, यहाँ पे लेते हम क्या l1 लेते और यहाँ पे लेते क्या L2, तो ये L लेंथ है, ठीक है ना, तो ये वाला एलिमेंट हम लोग कितना लिखते हैं, DL लिखते हैं, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं कि फॉर DL लेंथ लेमडा रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो फॉर दिस DL लेंथ, इस DL लेंथ के लिए, इस DL लेंथ के लिए, चाहे DX लेंथ के लिए, जो भी है, इसमें चार्ज भी बहुत ही छोटा आएगा, क्योंकि ये लेंथ बहुत ही छोटा है, आप देख ही नहीं पाओगे, वो तो हमने ड्रॉ किया इसलिए दिख रहा है, ठीक है ना, देख ही नहीं पाओगे। तो इस छोटे से लेंथ के लिए चार्ज भी क्या आएगा, एक छोटा सा चार्ज आएगा, उसको डिनोट कैसे करेंगे, dq से डिनोट करेंगे, और वो dq हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो हमने अभी बताया था, हमें एग्जांपल लिया था ना, 1 × 5 किया था, फिर 3 × 10 किया था, क्यों, क्योंकि 3 मीटर तक 10 कूलम चार्ज था, मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, यूनिफॉर्म था। यहाँ पे हमें पता चला कि फॉर dx लेंथ लेमडा इज यूनिफॉर्म, तो मैं लिख दूंगा dq निकालने के लिए लेमडा dl लिखूंगा, क्योंकि हमने dl लिया है। एक्चुअली देखो dx क्यों नहीं लिखा मैंने, देखो यहाँ पे रॉड dx x में है ना, इसलिए मैंने dx लिखा ना, अगर रॉड y में होता तो क्या लिखना पड़ता, dy लिखना पड़ता है ना, z में होता तो dz लिखना पड़ता, इसलिए मैंने इन जनरल मैंने क्या लिख दिया, dl लिख दिया, ठीक है। तो आप फॉर नॉन यूनिफॉर्म dq क्या लिखोगे जी, लेमडा dl लिखोगे। सो दिस कैन बी रिटन एज फॉर लाइन चार्ज एंड फॉर विच टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर नॉन
यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। बात है समझ में, फॉर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अब बात आता है कि डीएल हम कैसे लिखेंगे, तो देखो डीएल कैसे लिखेंगे। डीएल कैन बी रिटेन एज, अगर रॉड एक्स में है तो क्या लिखेंगे, डी एक्स लिखेंगे, और वाई में है तो डी वाई लिखेंगे, और जेड में है तो डी जेड लिखेंगे, ठीक है ना। देखो एक और इम्पोर्टेंट बात है, जैसे मान लो कि हमने एक आर्क लेंथ लिया, ठीक है। अब आर्क लेंथ लिए, ये भी क्या है, ये भी कैसा है, लाइन चार्ज है ना, इसमें तो चार्जेस लाइन पे ही अरेंज है ना, लेकिन थोड़ा सा ये क्या बनाया, कर्व बनाया। तो इसमें भी हमें क्या लेना है, छोटा सा लेंथ लेना है। मान लो हमने एक छोटा सा लेंथ लिया इसमें, मान लो आर रेडियस हमने लिया, ठीक है ना। तो ये छोटा सा जो लेंथ है ना, ये छोटा सा लेंथ मान लो ये क्या है, डी एल है। ये एंगल कितना बन रहा होगा, छोटा सा एंगल बन रहा होगा, और ये एंगल कितना हो रहा होगा, डी थीटा हो रहा होगा। इसको आप थोड़ा सा जूम करके देख लो, तो जूम करके देखोगे तो ऐसा दिखेगा ना, ये क्या है, डी एल है, और ये क्या है, डी थीटा है, ये क्या है, आर है। तो फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेन एंगल, प्लेन एंगल में क्या लिखते हैं, थीटा इक्वल टू एल बाई आर ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी थीटा इक्वल टू डी एल बाई आर। तो डी एल क्या लिखोगे इसमें, डी एल इक्वल टू आर इंटू डी थीटा, ठीक है, डी एल इक्वल टू आर इंटू डी थीटा। तो मैंने नॉन यूनिफॉर्म लाइन चार्ज के लिए हमने बताया कि डी क्यू कैन बी रिटन एज लेमडा इंटू डी एल, वेयर डी एल इज डी एक्स डी वाई डी डी जेड, और फॉर सर्कुलर चार्ज डी एल कैन बी रिटन एज आर इंटू डी थीटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग भूल जाते हैं, ठीक है, तो इसको आप याद रखना। चलो इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, तब आपको अच्छे से चमक जाएगा, इसको लिख लो। देखिए क्वेश्चन ये है कि रॉड है 4 मीटर का, जिसका लेमडा क्या दिया हुआ है, 2x दिया हुआ है, ठीक है। हमें क्या बताना है कि नेट चार्ज इस पर कितना है, नेट चार्ज इस पर कितना है, वो हमें बताना है, ठीक है। चलो करते हैं इसको। तो ये कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। और दूसरी बात कि किस टाइप का ये चार्ज है, तो लाइन चार्ज है, ठीक है ना। हम लोग एक साथ सारा कुछ कंप्लीट कर रहे हैं, लाइन चार्ज पढ़ रहे हैं, तो लाइन चार्ज का क्वेश्चन यहीं पर कर लेंगे, फिर नेक्स्ट चार्ज पढ़ेंगे उसमें क्वेश्चन उसके साथ करेंगे, ठीक है। चलो तो इसमें हम लोग क्या कर लेंगे जी, हम लोगों को पता है कि जब भी लाइन चार्ज रहता है और नॉन यूनिफॉर्म रहता है, तो डी क्यू को हम लोग कैसे लिखते हैं, लैम्डा इंटू डी एल लिखते हैं। फर्स्ट स्टेप अपना क्या होगा, डी क्यू लिखना, एकदम अच्छे से देखना, कोई जल्दीबाजी नहीं हम लोगों को, ठीक है। अगर आपको आता है तो इसको थोड़ा सा स्पीड फास्ट कर दो। तो लैम्डा क्वेश्चन में क्या रहेगा, आपको दिया हुआ रहेगा, लैम्डा क्या दिया हुआ है, 2x दिया है। अच्छा बात आई डी एल की, डी एल हम कैसे लिखते हैं, डी एक्स डी वाई और डी जेड, या फिर आर डी थीटा लिखते हैं। तो डी एक्स तब लिखते हैं जब रॉड कैसा रहे, एक्स में रहे, डी वाई लिखेंगे जब वाई में रहे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी एक्स लिख देंगे डी एल को, ठीक है। उसके बाद क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा दोनों तरफ इंटीग्रेट करने पे, ठीक है ना। और एक्स इसमें वेरिएबल है ना, क्या लिखोगे, 0 to 4 लिख दोगे। वेरिएबल कैसे पता चलता है, तो जो डी के साथ रहता है ना लेटर, उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल। तो यहाँ पे डी के साथ एक्स है, तो एक्स वेरी करेगा, एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 to 4 तक। तो देखो तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2 into x² / 2, 0 to 4। देखो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 16 कूलम हो जाएगा। मतलब इस रॉड पे टोटल चार्ज कितना है जी, 16 कूलम है। अब देखो इसमें क्वेश्चन और क्या क्या हो सकता है, टाइम पास क्वेश्चन हो सकता है। टाइम पास क्वेश्चन कैसा, तो मैं लेमडा का फंक्शन क्या कर दूंगा, चेंज कर दूंगा, सिंपल सा बात है। लेमडा मान लो मैंने दे दिया ax² / 2 दे दिया, और मैंने आपको रॉड दे दिया, ठीक है, रॉड दे दिया, बोला कि इसका लेंथ क्या है, एल है। तो आप इसको नहीं कर लोगे, कर लोगे, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, डी क्यू इक्वल्स टू लेमडा इंटू वट, डी एक्स, डी एल मैंने नहीं लिखा, डी एल लिखूंगा, डी एल को क्या लिखेंगे हम लोग, डी एक्स लिख देंगे। तो लेमडा हमें दिया हुआ है ax² / 2, और डी एक्स क्या लिखेंगे जी हम लोग, डी एक्स लिख दिए, और फिर इंटीग्रेट कर दो, कहाँ से कहाँ तक बताओ, 0 to कितना लेंथ है इसका, एल, तो 0 to L कर दिया। तो लिख दो a/2, तो बाहर आ गया, कॉन्स्टेंट है। x² का क्या होगा जी, x³/3 हो जाएगा, है ना, और क्या लिख दोगे, 0 to L लिख दोगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये, a/6L³ हो जाएगा ना, ये इसका क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज हो जाएगा। आई बात समझ में ना, चलो ठीक है। और तीसरा प्रॉब्लम करते हैं एक, ये वाला इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। जैसे मान लो आप कि एक हमें आर्क दिया हुआ है, सर्कुलर आर्क, और इसका रेडियस क्या दिया है, आर दिया है। इसमें इसका जो लेमडा दिया ना, लेमडा दिया है लेमडा नॉट कॉस थीटा दिया हुआ है, लेमडा नॉट क्या दिया है, कॉस थीटा दिया हुआ है, ठीक है, बढ़िया। तो देखो इसमें भी हमें क्या करना है, टोटल चार्ज निकालना है, टोटल चार्ज मतलब नेट चार्ज हमें बताना है, बहुत अच्छे, नेट चार्ज हमें बताना है, ठीक है।
ट्राई करोगे? ट्राई कर लो, इसको देख लो। देखो अब नेट चार्ज बताना है तो हम इसमें भी क्या लिख देंगे, सिंपल सी बात है, जब भी चार्ज निकाल रहे हैं डी क्यू लिखेंगे, और डी क्यू को हमें क्या लिखना है, लेमडा इंटू डी एल। अब देखो लेमडा को डी एक्स डी वाई डी जेड इस बार हम लोग नहीं लिख सकते, इस बार कैसा है, सर्कुलर चार्ज है, तो डी एल क्या लिखेंगे बताओ 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 बताओ, आर डी थीटा। हाँ बहुत सुंदर, आर डी थीटा, ठीक है। तो अब देखो लेमडा तो गिवन रहेगा क्वेश्चन में ना, तो लिख दो यहाँ पे लेमडा नॉट, आर तो आर है, कॉस थीटा, नहीं समझ में आया क्या, हमने लेमडा को क्या रखा, लेमडा नॉट कॉस थीटा, आर को यहाँ लग दिया, थोड़ा अच्छा दिखेगा। अब देखो यहाँ पे कौन वेरी करेगा, मैंने अभी बताया कि जो डी के साथ रहता है वो क्या करता है, वेरी करता है, तो डी के साथ क्या है, थीटा है ना, तो डी के साथ थीटा है, तो हमने इसमें हम लोग एलिमेंट तो ऐसे लिए होंगे ना, तो ये एलिमेंट यहाँ से लेके कहाँ तक फैला हुआ है, यहाँ तक फैला हुआ है, तो जब ये वाला होगा तो एंगल जीरो बन रहा होगा, जब ये एलिमेंट आया होगा तो एंगल कितना बन रहा होगा, 90 बन रहा होगा, मतलब जीरो टू क्या होगा, पाई बाई टू हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा पता है, लेमडा नॉट आर आ जाएगा, आंसर मैच कर लो, लेमडा नॉट आर कॉन्स्टेंट है, और कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा, और साइन थीटा डी थीटा मतलब जीरो टू पाई बाई टू है ना, तो साइन थीटा रखोगे तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा डी थीटा का क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन, साइन थीटा है ना, हाँ साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है, फिर पाई बाई टू माइनस जीरो है ना, साइन वन माइनस जीरो वन हो जाएगा, ठीक है। जो भी है क्यू क्या आ जाएगा जी, लेमडा नॉट आर आ जाएगा, बहुत अच्छे। अब देखो अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछूं कि हमने इसमें तो ऐसे दिया था ना, मैंने इसको और बढ़ा दिया, मैंने हमने क्या कर दिया, सेमी सर्कुलर कर दिया, और रेडियस आर ही है, और डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या है, लेमडा नॉट कॉस थीटा है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन क्या है जी, सेम है, बहुत अच्छे, डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। इसमें बोला गया कि व्हाट इज़ नेट चार्ज, नेट चार्ज क्या है बताओगे, बताओ नेट चार्ज क्या है, तो वही करोगे आप, क्या करोगे, लेमडा इंटू डी एल, देखो मैं यहाँ पे लिखता तो डायरेक्ट लेमडा नॉट कॉस थीटा, और डी एल इज वॉट, आर डी थीटा है ना, तो आर मैंने यहाँ रख दिया, आर डी थीटा, और यहाँ पे लिमिट क्या लग जाएगा जी, जीरो टू कहाँ से कहाँ तक बताओ, यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, जीरो टू पाई, और यहाँ पे जब लेके आओगे आंसर तो क्यू का वैल्यू कितना आएगा, जीरो आएगा। लेकिन हमें ये आंसर कभी कभी अजीब सा लगता है, सोचो एक बार क्यों अजीब सा लग रहा है, देखो लेमडा नॉट कॉस थीटा है ना, ठीक है। अब हमें तो जब ये इतना ही था, जब हमारा क्वेश्चन में इतना ही पार्ट था, तो हमारा नेट चार्ज कितना आया था, लेमडा नॉट आर आया था ना, लेकिन जब मैंने दुगना कर दिया तो मुझे ऐसा लग रहा है कि क्यों क्या होना चाहिए, टू लेमडा नॉट आर आना चाहिए, क्योंकि इतने पार्ट में क्या है, लेमडा नॉट आर है, तो इतने पार्ट में भी लेमडा नॉट आर होगा, तो टोटल कितना होगा, टू लेमडा नॉट आर होगा, ठीक है ना। लेकिन ये बोल रहा है कि जीरो होगा, ये तो सही बोल रहा है ना, हम लोग गलत सोच रहे हैं, गलत कहाँ सोच रहे हैं बताओ, देखो कैसे, यहाँ पे जो है ना लेमडा कॉस थीटा के साथ ये क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, ठीक है ना। मतलब ये है कि लेमडा तो क्या है, लेमडा नॉट कॉस थीटा, लेमडा इज चार्ज डेंसिटी ना, ये इनडायरेक्टली क्या है, क्यू बाई एल है, मतलब कॉस थीटा जहां पे पॉजिटिव होगा वहां पे लेमडा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मतलब चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। देखो तो लेमडा हम लोग क्या लिखते हैं, क्यू बाई एल लिखते हैं ना, अगर लेमडा पॉजिटिव है इसका मतलब चार्ज पॉजिटिव है, लेंथ तो ऑलवेज पॉजिटिव ना है ना, क्यू इक्वल्स टू लेमडा इंटू एल लिखते हैं, ठीक है हाँ। और कॉस थीटा जहां पे नेगेटिव होगा वहां पे लेमडा क्या होगा, नेगेटिव होगा, इसका मतलब चार्ज नेगेटिव होगा, बहुत सुंदर। इसका मतलब ये हो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए इधर की तरफ कितना आया, लेमडा नॉट आर आया। अगर आप सिर्फ इसको निकालोगे ना, सिर्फ इसको निकालोगे तो लिमिट आप क्या रखोगे, यहां से यहां तक रखोगे द सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो फिर से इसका आंसर पता है कितना आएगा, माइनस लेमडा नॉट आर आएगा। लेकिन हम लोग क्वेश्चन में हमेशा क्या निकालते हैं, नेट चार्ज निकालते हैं, तो ये पार्ट लेमडा नॉट आर है और ये पार्ट माइनस लेमडा नॉट आर है, तो इसलिए नेट चार्ज कितना आया है, जीरो आया है। बताइए समझ में ना, कितना आया, जीरो आया है। तो हम पूछे कि चार्ज क्या है या फिर हम पूछे कि नेट चार्ज क्या है, ठीक है ना, तो बात बराबर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज पूछा जाए, इसका मतलब क्या पूछा जा रहा है, नेट चार्ज पूछा जा रहा है, ठीक है ना। चलो आप इसको लिख लो अच्छे से, ठीक है, फिर हम लोग सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं, ठीक है। तो दूसरा है सरफेस चार्ज। इस सिस्टम में क्या होता है, ऑल द
चार्जेज आर चार्जेज, हाँ ठीक है, चार्जेज आर अरेंज्ड ऑन सरफेस। कहाँ पे अरेंज रहते हैं जी? सरफेस पे रहते हैं। बहुत ही सुंदर, सरफेस पे रहते हैं ये तो, ठीक है। अब देखो, सरफेस मान लो ये सरफेस है, ठीक है, ऐसे ऐसे क्या है, सरफेस है। तो इस सरफेस में चार्ज हम ऐसे ऐसे चिपका रहे थे, ऐसे ऐसे चिपका रहे थे, और इस सरफेस का मान लो एरिया जो है ना, इसका एरिया जो है ना, मान लो आप 10 मीटर स्क्वायर है, इसका एरिया क्या है, 10 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। हमने सोचा कि 10 मीटर स्क्वायर है, जब हम चार्ज चिपका रहे थे तो एक मीटर स्क्वायर एरिया में, एक मीटर स्क्वायर एरिया में हमारा 5 कूलम चार्ज क्या हुआ, खर्च हुआ। कितना खर्च हुआ जी? 5 कूलम चार्ज, ठीक है। तो इस टोटल सरफेस को बनाने में हमारा चार्ज कितना खर्च हुआ होगा? तो एक मीटर स्क्वायर एरिया में चार्ज कितना खर्च हुआ? 5 कूलम। तो 10 मीटर स्क्वायर एरिया में कितना होगा जी? 5 × 10। आपको चमक गया? आप रिलेट कर पा रहे हो लाइन चार्ज से? ये 5 कूलम क्या था बताओ? चार्ज पर यूनिट एरिया। क्या था जी? चार्ज पर यूनिट एरिया था, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें भी हम लोग एक क्या निकालेंगे, एक पैरामीटर निकालेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे सरफेस, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालेंगे पैरामीटर, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा से। तो क्यू कैसे आएगा? सिग्मा इंटू एरिया। व्हाट इज सिग्मा जी? तो सरफेस चार्ज पर यूनिट एरिया, मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया हम लोग सिंपली बोलते हैं। यहाँ पे 5 मीटर स्क्वायर क्या था? 1 मीटर स्क्वायर में एरिया चार्ज था, है ना। तो देखो, तो इसमें हम लोग सिग्मा को क्या लिख सकते हैं जी? क्यू बाई एरिया, और क्यू का यूनिट क्या होगा बताना? कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो ऐसा तो तभी लिखेंगे ना जब हर एक मीटर स्क्वायर में क्या होगा, 5 कूलम ही रहेगा। मतलब दिस Q equals to sigma A is applied only for uniform distribution. This is for uniform बाताई समझ में? This is applied only for uniform distribution. ठीक है, सिंपली हम लोग क्या करते हैं, सिग्मा इंटू ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं फॉर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या करेंगे। लिख लो आप इसको पॉज करके। देखो, फॉर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा कि चार्जेस क्या होंगे, एरिया पे तो डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। जैसे मान लो आप कि हमने लिया एक क्या लिया बोलो, डिस्क लिया। हमने क्या लिया? डिस्क लिया, एक हमने डिस्क ले लिया, और डिस्क का जो रेडियस है ये आर है। डिस्क का रेडियस हमने क्या लिया? आर लिया। बहुत अच्छी, डिस्क का रेडियस क्या लिया जी? आर लिया, ठीक है। और इसमें सिग्मा ऐसे दिया हुआ है, सिग्मा नॉट इंटू आर दिया है। क्या दिया है? सिग्मा नॉट इंटू आर, ठीक है। अब इसमें बोला कि व्हाट इज नेट चार्ज, या फिर हम बोले व्हाट इज चार्ज, ये हमें पूछा। तो देखो कैसे करेंगे हम लोग। अब बताओ इसका टोटल एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर होगा ना। अगर इस पूरे पाई आर स्क्वायर एरिया में सिर्फ डेंसिटी सिग्मा होता, चाहे सिग्मा नॉट होता, तो हम पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा नॉट कह देते ना, क्योंकि सिग्मा नॉट अगर होता है, इसका डेंसिटी अगर सिर्फ सिग्मा नॉट होता है, तो सिग्मा नॉट तो कांस्टेंट क्वांटिटी है ना, इसका मतलब पूरे के पूरे एरिया में क्या होता, डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होता। और जब भी डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होता है तो हम होल एरिया से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है, ये आर के साथ चेंज हो, दिस आर इज वॉट, रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हमने लेंथ के साथ जब वेरी कर रहा था ना, तो हमने क्या लिया था, छोटा सा लेंथ लिया था। यहाँ पे क्या हो रहा है जी, किसके साथ वैरी कर रहा है, एरिया के साथ वैरी कर रहा है, इसलिए हम लोग छोटा सा एरिया लेंगे, ठीक है। चलो छोटा सा आप एरिया ले लो। हमने क्या किया, यहाँ से जाके ऐसे आर पर छोटा सा एक एरिया लिया ऐसे। ये डिस्क किससे मिलके बना होगा जी? किससे मिलके बना होगा बताओ? रिंग से मिलके बना होगा, है ना, रिंग से मिलके बना होगा। तो हमने एक रिंग ले लिया और आर रेडियस का, और इसका थिकनेस कितना है बताओ? स्मॉल आर है इसका थिकनेस, सॉरी इसका थिकनेस क्या है, डी आर है, ठीक है। चलो सही है, तो हमने इस रिंग को ऐसे बनाया, ठीक है, ये छोटा सा रिंग है, ठीक है। और इसका थिकनेस हमने कितना बोला? डी आर बोला, और इसका रेडियस कितना बोला? आर बोला। तो इसका एरिया हमने लिखना है क्या? डी ए लिखना है, ठीक है। तो डी ए कैसे लिखेंगे हम लोग बताओ, डी ए कैसे लिखेंगे?
टू पाई आर इंटू डी आर। अच्छा देखो एरिया कैसे लिखते हैं ना, बताओ एरिया कैसे लिखते हैं, लेंथ इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई लिखते हैं ना जी, लेंथ इंटू ब्रेथ लिखते हैं ना, तो इसकी लंबाई कितनी है बताओ, इसकी लंबाई कितनी है टू पाई आर, और इसकी चौड़ाई कितनी है मतलब ब्रेथ कितना है इसका डी आर है, तो इसका डी ए क्या हो जाएगा टू पाई आर डी आर हो जाएगा। हमने डी ए क्यों लिखा, क्योंकि छोटा सा इसका एरिया आएगा, ठीक है। तो देखो हम लोग बोले ना कि यूनिफॉर्म के लिए पूरा एरिया मल्टीप्लाई करेंगे, और नॉन यूनिफॉर्म के लिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे जी, डी क्यू निकालेंगे, और डी क्यू कैसे लिखेंगे, सिग्मा इंटू डी ए लिखेंगे। बात आई समझ में, दिस फॉर्मूला इज अप्लीकेबल फॉर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज फॉर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो देखो मैंने बोला ज्यादा, अब सेम टू सेम चलेगा, अब कहानी हम लोगों का क्या होगा, सेम टू सेम चलेगा, बहुत अच्छे। तो सिग्मा क्या लिखेंगे जी बताओ, सिग्मा तो गिवन रहेगा क्वेश्चन में, जैसे उस टाइम हम लोगों को लैम्डा दिया रहता था ना, इसमें सिग्मा दिया रहेगा, तो सिग्मा नॉट आर, और डी ए को क्या लिख देंगे टू पाई आर डी आर, इंटीग्रेट कर दीजिए। इसमें वेरिएबल कौन है, डी के साथ कौन है जी, आर है ना, तो स्मॉल आर वेरी कहाँ से कहाँ तक करेगा, जीरो टू कैपिटल आर, तो जीरो टू कैपिटल आर कर दीजिए आप, जीरो टू कैपिटल आर, आप इसको निकाल दो, सिग्मा नॉट टू पाई, यहाँ पे आर क्यूब हो गया ना, अब आर क्यूब का इंटीग्रेट करो तो क्या हो जाएगा जी, आर फोर बाई फोर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, लिमिट रखोगे तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे, किसके लिए करेंगे जी, सरफेस चार्ज के लिए करेंगे। आपको इसमें क्या दिखा कि फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्यू इज सिग्मा इंटू ए, एंड फॉर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन डी क्यू इज सिग्मा इंटू डी ए, ये आपको रट के रखना है, ठीक है। बहुत अच्छे, चलो हम लोग अब करते हैं वॉल्यूम चार्ज, ठीक है ना। नेक्स्ट आप इसको पॉज करके लिख लो, वॉल्यूम चार्ज इसको बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, बल्क चार्ज कहते हैं, ठीक है, वॉल्यूम चार्ज या फिर बल्क चार्ज। तो इसमें क्या होता है, ऑल द पॉइंट चार्जेस आर अरेंज्ड ऑन वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम पर क्या होते हैं, वॉल्यूम में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, मतलब थ्री डी डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, ठीक है ना, बहुत अच्छा है। तो देखो अगर मान लो हमने कुछ ले लिया वॉल्यूम, कुछ ले लिया इस तरह का, ठीक है ना, इस तरह का हमने कुछ वॉल्यूम ले लिया, ठीक है, इस तरह का वॉल्यूम ले लिया, तो इसमें मान लो हम लोग जब बना रहे थे ना तो चार्ज मोटा हो जा रहा था ऐसे, ठीक है, तो इसमें वॉल्यूम में क्या होगा, इसमें वॉल्यूम लेना पड़ेगा वन मीटर क्यूब। अब वन मीटर क्यूब को बनाने के लिए हमें पाँच कूलम का चार्ज लग गया, मान लो इसका टोटल वॉल्यूम जो हमने बनाया वो दस मीटर क्यूब था, तो टोटल चार्ज कितना इसमें आएगा जी, तो फाइव इंटू टेन, क्यों, क्योंकि एक मीटर क्यूब वॉल्यूम में फाइव कूलम चार्ज है, तो टेन मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितने आएगा, है ना, तो 5 इंटू टेन मतलब 50 कूलम टोटल चार्ज इसमें आ जाएगा। क्या आपको रिफ्लेक्ट हुआ यहाँ पे, तो हमने एक पैरामीटर निकाला, पैरामीटर क्या निकाला, क्या निकाला जी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यहाँ पे 5 कूलम क्या था, 5 कूलम चार्ज पर मीटर क्यूब ना, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम, 5 मीटर कूलम चार्ज, 5 कूलम चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो हमने बोला इसको क्या, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, रो से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसमें चार्ज कैसे आएगा, रो इंटू वी, लेकिन ये किसके लिए अप्लाइड होगा, पूरा का पूरा वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया था ना, इसलिए क्योंकि हर एक मीटर क्यूब में 5 कूलम ही था, तो इसका मतलब कैसा डिस्ट्रीब्यूशन था, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, तो पूरा डेंसिटी को वी से मल्टीप्लाई कर देंगे फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, फॉर फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमें निकल जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसको हम लोग देखते हैं, जब नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो क्या करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो हम लोग डी क्यू लिखेंगे और इसको रो इंटू डी वी लिखते हैं। मैंने डायरेक्ट इसलिए लिखा कि आपको अब आइडिया हो गया होगा, हमने डी क्यू इक्वल टू लैम्डा डी ए लिखा था, डी क्यू इक्वल टू सिग्मा डी ए लिखा था, इस बार डी क्यू इक्वल टू रो डी वी लिखेंगे, है ना, ठीक है। अब डी वी क्या होगा, एलिमेंट्री वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो ऐसा करता हूँ मैं, सारे के लिए मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। देखो शॉर्टकट में आपको एक क्विक रिवीजन करा, तो मैंने हमने जो अभी पढ़ा, ठीक है ना। देखो पहला क्या था, लाइन चार्ज, तो क्यू इक्वल्स टू लेमडा इंटू एल, है ना, किसके लिए, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और डी क्यू इक्वल्स टू लेमडा इंटू डी एल,
किसके लिए? नॉन यूनिफॉर्म के लिए, ठीक है ना, किसके लिए? नॉन यूनिफॉर्म के लिए। दूसरा क्या आया? सरफेस चार्ज। सरफेस चार्ज, सरफेस चार्ज में हम लोग क्या लिखेंगे जी? क्यू इक्वल्स टू सिग्मा इनटू ए लिखेंगे, और किसके लिए? फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। और डी क्यू इक्वल्स टू क्या लिख देंगे? सिग्मा इनटू डी ए लिख देंगे, किसके लिए? फॉर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है, फॉर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ऐसे लिख देंगे। और थर्ड हमने क्या पढ़ा? वॉल्यूम चार्ज। तो वॉल्यूम चार्ज में हम लोग क्या लिखेंगे बताओ? तो क्यू इक्वल्स टू लिखते हैं रो इंटू वी, किसके लिए? फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। और डी क्यू इक्वल्स टू क्या लिखते हैं जी? रो इंटू डी वी, किसके लिए? फॉर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे एक आया टर्म डी ए और एक यहाँ पे टर्म आया क्या? डी वी। तो डी ए और डी वी को कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो हम लोग कहते हैं कि बाई डिफरेंशिएटिंग, है ना, डिफरेंशिएटिंग द फॉर्मूला ऑफ एरिया, है ना, और क्या वॉल्यूम रेस्पेक्टिवली। आई बस समझ में ना, डी ए और डी वी कैलकुलेट करते हैं बाई डिफरेंशिएटिंग द फॉर्मूला ऑफ एरिया और वॉल्यूम रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना। मतलब अगर आपको डी ए निकालना है तो एरिया के फॉर्मूला को डिफरेंशिएट करते हैं, और डी वी निकालना है तो वॉल्यूम के फॉर्मूला को डिफरेंशिएट करते हैं। चलिए मैं चाहता हूँ कि डी ए और डी वी पे हम लोग थोड़ा सा फील लेते हैं, ठीक है ना। चलो आओ, हमने बोला कि डी ए इज वॉट? एरिया। ये बहुत ही स्मॉल एरिया कहलाएगा, छोटा सा क्या कहलाएगा? एरिया कहलाएगा, ठीक है ना। देखो एक सर्कल अगर है रेडियस आर का, ठीक है, सर्कल रेडियस आर का है, तो इसका एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर होगा। बहुत अच्छे, इसका एरिया क्या होगा जी? पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है, बहुत अच्छे। अब देखो हम चाहते हैं कि इसका एरिया निकालें इस कॉन्सेप्ट से, तो इसका एरिया निकालना है, ठीक है, मतलब ये चीज़ निकालना है, ठीक है। तो ये सर्कल किससे बना होगा बताओ? ये सर्कल किससे बना होगा जी? तो छोटे छोटे पतले पतले रिंग से बना होगा, है ना। ऐसे एक रिंग होगा, एक ऐसे रिंग होगा, एक ऐसे रिंग होगा, बहुत सारे ऐसे ऐसे क्या होंगे, ऐसे ऐसे बहुत सारे क्या होंगे, रिंग होंगे, ठीक है ना। तो हमने क्या लिया कि जैसे मान लो हमारा रिंग है ये, जैसे मान लो ये रिंग है हमारा, ठीक है ना, ये रिंग है। तो इस रिंग का मैंने थिकनेस क्या लिया? इस रिंग का थिकनेस क्या लिया? डी आर लिया। और इसका रेडियस क्या लिया? स्मॉल आर लिया, ठीक है। मैंने ये वाला रिंग लिया, ठीक है, इस रिंग का थिकनेस क्या लिया जी? डी आर लिया, डी आर। और ये रेडियस क्या लिया? स्मॉल आर लिया। बात है समझ में? बहुत अच्छे। तो देखो इसका मैं क्या करूँगा ना, एरिया निकालूंगा। तो एरिया भी तो छोटा सा आएगा ना एरिया, ठीक है, छोटा सा एरिया आएगा। तो एरिया कैसे लिखेंगे? लंबाई इंटू चौड़ाई लिखेंगे, ठीक है। तो ये लंबाई कितना आएगा? टू पाई आर आएगा। तो टू पाई आर, और चौड़ाई इसकी कितनी है जी? डी आर है, लेंथ इंटू ब्रेथ किया हमने, ठीक है ना। अब देखो ये डी ए क्या है? रिंग का एरिया है ना। अब देखो ऐसे ऐसे रिंग तो बहुत सारे हैं ना, उसका रेडियस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, बढ़ते 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 कहाँ तक इसका रेडियस जा रहा है जी? आर तक जा रहा है। मतलब ऐसे ऐसे रिंग के एरिया को आप ऐड करोगे तो ऐड करते 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 क्या मिलना चाहिए हमें? तो एरिया ऑफ सर्कल मिलना चाहिए, जो कि कितना होना चाहिए? पाई आर स्क्वायर होना चाहिए। और ऐसे ऐसे डी ए के एडिशनल एडिशन करने के मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीग्रेट करना। तो इसको हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे, और रेडियस कहाँ से कहाँ तक वेरी करेंगे? जीरो टू कैपिटल आर तक। तो देखो आपको अभी कभी अच्छे से फील आ जाएगा, क्या है ये? टू पाई, और आर के इंटीग्रेशन क्या हो गया जी? आर स्क्वायर बाई टू, और जीरो से आप अगर कैपिटल आर करते हो तो एरिया क्या आ जाएगा यहाँ पे? देखो तो क्या ये पाई आर स्क्वायर हो गया? देखो तो टू टू क्या हो गया? कैंसिल हो गया ना, टू टू कैंसिल हो गया, और ये कैपिटल आर हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर एरिया गया। बात है समय? डी ए का फील आया, क्या होता है डी ए? डी ए इज स्मॉल एरिया। डी ए क्या होता है? स्मॉल एरिया होता है। इस तरह से हम लोग डी ए सेलेक्ट करते हैं। तो आप रट के रखना कि जब डिस्क रहेगा, तो डिस्क जब दिया रहेगा चार्ज में ना, तो हम डी ए क्या लिखेंगे? टू पाई आर डी आर रखेंगे, ठीक है ना। ये हमने
कॉन्सेप्ट से लिखा, फील के साथ लिखा, लेकिन हमने आपको बताया कि डीए कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो बाय डिफरेंशिएटिंग द फॉर्मूला ऑफ एरिया। चलो ठीक है, तो एरिया हम लोग लिखेंगे क्या, कोई वेरिएबल एरिया लिख देंगे पाई आर स्क्वायर, और दिस एरिया इज वेरिंग विथ स्मॉल आर, तो हमने लिख दिया क्या डी ए बाई डी आर, जो हमने बताया कि डिफरेंशिएट करके हम लोग निकालते हैं, तो क्या आ जाएगा, टू पाई आर हो जाएगा ना, तो डी ए क्या आएगा बताओ, टू पाई आर डी आर आएगा, बताइए समझ में ना। देखो टू पाई डी ए फिर से क्या आ गया, टू पाई आर डी आर, यहाँ भी डी ए क्या है टू पाई आर डी आर, लेकिन यहाँ पे आपको फील नहीं आएगा कैसे आया, डिफरेंशिएशन मतलब रियल फील आपको नहीं आएगी, ठीक है ना। लेकिन हमने यहाँ पे जो बचपन में पढ़ा था ना, टू पाई आर डी आर लेंथ इंटू ब्रेथ किया, वहाँ से हमने निकाल के लाया इसको, ये भी वैसे आया। मेरी बात समझ में आई क्या, क्लियर है बहुत अच्छे से। चलो ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग वॉल्यूम भी निकाल के देखते हैं, हम लोग कैसे वॉल्यूम के लिए थोड़ा सा हम लोग फील लेते हैं, ठीक है। चलो मान लो आप कि स्फीयर है एक, ठीक है, स्फीयर है रेडियस आर का, अब स्फीयर हमने लिया तो वॉल्यूम निकालने का मतलब कि इस पूरा का पूरा ये निकालना अंदर से, तो हमने क्या लिया कि एक स्फेरिकल क्या लिया, सेल लिया, और स्फेरिकल मतलब एलिमेंट कैसे लेते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो किससे बना होगा ये, स्फेरिकल सेल से मिलकर बना होगा, तो स्फेरिकल सेल लिया और इसका थिकनेस कैसा लिया जी, कैसा लिया बोलो, डी आर लिया, और इसका रेडियस क्या लिया, स्मॉल आर लिया। अब देखो इसका मैं डी वी लिखूंगा, तो डी वी क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू क्या होता है जी, थिकनेस होता है ना, एरिया इंटू थिकनेस होता है, बहुत अच्छे। तो इसका एरिया क्या होगा बताओ, स्मॉल आर का स्फीयर है तो इसका एरिया क्या होगा, फोर पाई आर स्क्वायर, और थिकनेस क्या है, डी आर है, ठीक है ना। तो क्या ये डी वी है स्फेरिकल सेल का, अब देखो स्फेरिकल सेल में तो ऐसे मत समझे स्फेरिकल सेल ये डी वी, मैंने ये एक एलिमेंट लिया अलग से, इससे क्या होगा, सेल होगा, सेल पतला सा, इस मटेरियल का मैंने क्या निकाला है, वॉल्यूम निकाला है, फोर पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। अब देखो ऐसे ऐसे सारे मटेरियल को आप अगर ऐड करोगे, पूरा वॉल्यूम निकालोगे, तो वॉल्यूम किसका आना चाहिए, स्फीयर का आना चाहिए, ठीक है। आप अगर अब इसको क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो, जीरो टू कैपिटल आर, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, फोर पाई आर क्यूब बाई थ्री, आई बात समझ में ना। तो देखो तो वॉल्यूम क्या आएगा जी, फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब, देखा है क्या वॉल्यूम, अरे यही तो वॉल्यूम होता है किसका, स्फीयर का होता है, तो हमने स्फीयर का वॉल्यूम हमने लिख दिया। तो स्फीयर के वॉल्यूम में जो जो एलिमेंट आएगा वो क्या आएगा, स्फेरिकल सेल आएगा, और उसका एलिमेंट एलिमेंट्री वॉल्यूम क्या लिखेंगे हम लोग, तो फोर पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। हमने यहाँ पे कोई फॉर्मूला यूज किया क्या निकालने के लिए, नहीं यूज किया, हमने बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने बचपन में पढ़ा था ना वो हमने यूज किया कि वॉल्यूम जो होता है एरिया इंटू डेप्थ होता है, या फिर हम लोग कहते हैं विड्थ, ठीक है ना। तो यहाँ पे वॉल्यूम लिखा, लेकिन हमने क्या बताया आपको कि वॉल्यूम को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डी वी को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम के फॉर्मूला को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो देखो उससे भी निकाल देता हूँ आपको, फोर बाई थ्री एक वेरिएबल वॉल्यूम लिख लेंगे, फोर बाई थ्री आई पाई आर क्यूब हो गया, ठीक है ना, और डी वी बाई क्या कर दोगे आप, डी आर कर दोगे, तो क्या आ जाएगा, फोर बाई थ्री पाई, और ये क्या हो जाएगा, थ्री आर स्क्वायर, ठीक है ना, थ्री आर स्क्वायर आ गया, ठीक है, तो थ्री थ्री कैंसिल हो गया, तो डी वी बाई डी आर क्या आया जी, फोर पाई आर स्क्वायर, तो डी वी कितना आ गया बताओ, फोर पाई आर स्क्वायर डी आर आ गया, आई बात समझ में ना। तो देखो तो डीवी तो फॉर्मूला को डिफ्रेंशिएट करके आया ना, अब बताओ यहाँ से हमें कुछ फील नहीं आता, लेकिन हमने यहाँ पे बचपन का कॉन्सेप्ट यूज किया और यहाँ से हमें फील आया कि हम लोग डीवी कैसे लेंगे। तो आपको समझ में आया एलिमेंट कैसे लेते हैं, डिस्क में रिंग लेते हैं, स्फीयर में क्या लेते हैं, स्फेरिकल सेल लेते हैं, ठीक है ना। तो धीरे धीरे आपको क्या होगा, आइडिया होने लगेगा हम लोग किस तरह से एलिमेंट लेते हैं और कैसे डीवी और डीए लिखते हैं। चलिए एक और प्रॉब्लम मैं आपको करा देता हूँ वॉल्यूम चार से रिलेटेड। यहाँ पे स्फीयर दिया है रेडियस आर का और इसका डेंसिटी दिया हुआ रो इज रो नॉट आर बाई टू, ठीक है, और चार्ज पूछा है निकालने के लिए, ठीक है, क्या पूछा है, चार्ज निकालने के लिए, ठीक है। सो मैं थोड़ा एनर्जी में रहा, ठीक है, स्फीयर दिया हुआ है, रो क्या है, रो नॉट आर बाई टू, और चार्ज निकालना है। तो देखो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि ये वेरी कर रहा है स्मॉल आर के साथ, वेयर आर इज वॉट, रेडियल डिस्टेंस, मतलब जैसे जैसे ऐसे जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है ना, सॉलिड स्फीयर है, ठीक है ना, सॉलिड स्फीयर है, और जैसे जैसे आगे जाएंगे तो रेडियस क्या होगा, चेंज होगा, तो वैसे वैसे रो भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। तो जब भी नॉन यूनिफॉर्म रहता है तो आंख बंद करके मैंने आपको बता दिया कि नॉन यूनिफॉर्म रहने से डी क्यू कैसे लिखते हैं, लेमडा डी एल सिग्मा डी ए रो डी वी, बताओ क्या लिखेंगे, ये कैसा चार्ज है, कैसा है,
वॉल्यूम चार्ज है, तो वॉल्यूम चार्ज है तो डी क्यू क्या लिखेंगे हम लोग, रो इंटू डी वी लिखेंगे। ठीक है, बहुत सुंदर। अब देखो क्वेश्चन में रो दिया हुआ है, रो नॉट आर बाई टू इंटू डी वी। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या कर देंगे बताओ, इंटीग्रेट करने से पहले एक बार ऐसा है कि डी वी लिख देते हैं। अब बोलो डी वी क्या लिखेंगे, स्फीयर है ना, तो स्फीयर होता तो डी वी क्या लिखते हैं, फोर पाई आर स्क्वायर डी आर, अभी बताया ना मैंने, एरिया इंटू थिकनेस। ठीक है, तो आप इंटीग्रेट कर दो इसको, रेडियस क्या है, जीरो टू कैपिटल आर, है ना, हो जाएगा, अब हो जाएगा ना, देखो रो नॉट बाई टू इंटू फोर पाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, आर क्यूब, मतलब क्या हो जाएगा, आर फोर बाई फोर, जो भी है आंसर आएगा। चलो एक और कर लो आप, वही सॉलिड स्फीयर दिया हुआ है और रो दिया हुआ है रो नॉट इंटू आर। ठीक है, लेकिन इस बार जो सॉलिड स्फीयर है ना, थोड़ा चलो अलग ले लेता हूँ, सॉलिड स्फीयर ऐसा दिया हुआ है, ऐसे है, मतलब इंटरनल रेडियस जो है ए है और एक्सटर्नल रेडियस बी है। ठीक है, तो इसमें हमें चार्ज बताना, तो चार्ज बताना, तो हम इसमें भी क्या लिखेंगे, डी वी, डी वी इज व्हाट, फोर पाई आर स्क्वायर डी आर लेंगे। तो आप डी क्यू लिखो, आप डी क्यू क्या लिखोगे, रो इंटू डी वी, तो रो तो दिया हुआ है ना, रो नॉट इंटू आर, देखो यहाँ दिया हुआ है, इंटू फोर पाई आर स्क्वायर डी आर। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर दो तो क्या निकल जाएगा, चार्ज। अब बताओ लिमिट क्या लोगे, आर वेरी कर रहा है तो आर क्या जीरो से बी होगा, नहीं, हमारा मटेरियल स्टार्ट हो रहा कहाँ से, यहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब क्या होगा, ए टू बी होगा। ठीक है, आप यहाँ से क्या कर लोगे, चार्ज निकाल लोगे। ठीक है, देखो ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। ठीक है, और इसको आप जहाँ जहाँ पे आप, अगर आपको डिफिकल्टी आई होगी ना, उसको आप फिर से उसको रिवाइंड करके देख लेना, क्योंकि ये अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आगे चल के जितने भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इंटीग्रेशन वाले, वो आपको समझने में कठिनाई कर सकते हैं। ठीक है ना, प्रॉब्लम हो सकता है हम लोग समझने में, तो इस लेक्चर को आप अच्छे से समझ लेना, रिवाइज कर लेना अच्छे से। ठीक है, रिवाइंड कर करके अच्छे से रिवाइज करना इसको। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। ठीक है, जो भी डाउट होगा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज है, इस पर आप पोस्ट कर देना। ओके, टेक केयर।